दुल्हीपुर निवासियों ने श्री राम हनुमान चौक मंदिर परिसर से राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण जन यात्रा का किया शुभारंभ। चंदौली जनपद के दुल्हीपुर के निवासियों ने बाजार में स्थापित श्री राम हनुमान चौक के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के लिए निधि समर्पण जन जागरण पद यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के आयोजक प्रमोद पटेल ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए देश भर में निधि समर्पण महाअभियान चलाया जा रहा है। प्रचार प्रमुख विष्णु पटेल के मुताबिक अभियान के दौरान हम लोग हर घर में जाएंगे और लोगों को भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में सहयोग करने को प्रेरित करेंगे। जय गुप्ता ने कहा कि जो राम भक्त स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं उनके लिए हम सब लोग आभारी रहेंगे। यह पदयात्रा श्री राम मंदिर महावलपुर से प्रारंभ होकर चंदसी महावलपुर दुल्हीपुर मोहम्मदपुर बघई ग्राम में जाकर समाप्त हुई। पदयात्रा में प्रमोद पटेल, विष्णु पटेल, जय गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, दशरथ मौर्य, गुड्डू विश्वकर्मा, रमेश पटेल और विभिन्न संगठनों के राम भक्तों ने भाग लिया। सूर्य प्रकाश सिंह, ब्यूरो चीफ, चंदौली, 24 न्यूज, एसडी चैनल। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूं। मेरा निवास स्थान ग्राम सभा भोजपुर है और ये श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान का मैं प्रमुख हूँ। आज ये कार्यक्रम पड़ाव क्षेत्र में हुआ है, दूसरे कार्यक्रम में हम लोग ये दुल्हीपुर से स्टार्ट हुआ है और इसका मुख्य काम है जो वर्षों बाद, लगभग 492 वर्ष बाद ये पहली बार हुआ है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्र के लोगों को गांव-गांव तक जाना है, लोगों से रसीद के माध्यम से और चंदा के माध्यम से हम लोग पैसा इकट्ठा कर इस मंदिर निर्माण में राष्ट्र के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। प्रभु जी, ये बताइएगा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम से कम भारत में कम से कम जो हिंदू अब तक जागते नहीं थे उसको जगाने का है और श्री राम मंदिर को बनाना हम लोग को है जो अब तक बाकी था। जनता में इससे क्या संदेश जाएगा? जनता में अब तक जो संदेश था, जो हम लोग के भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, अब तक जो विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताते, उनको एक दिखाना हम लोग को, भारत के हिंदू अब जाग चुके हैं, अयोध्या में शिलान्यास हो चुका है मंदिर बनने के लिए, पूरे भारत के लोगों को डोर टू डोर जाना है। जय श्री राम, जय श्री राम।